आम जनता को राहत देने और पुराने प्रकरण के निपटान के लिए कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण द्वारा मिले निर्देश अनुसार आज एक बार फिर इंदौर नगर निगम भी लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके तहत नगर निगम में भी एक साल से ज्यादा पुराना जलकर और संपत्ति कर निगम मुख्यालय के साथ ही सभी जोनल कार्यालय और निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन टैक्स जमा करने की भी व्यवस्था की गई। वहीं निगम कार्यालयों के सभी कैश काउंटर भी अवकाश होने के बावजूद भी खुले हैं और इस लोक अदालत में ऐसे प्रकरण जिनका सरचार्ज सहित 50,000 तक बकाया है उन्हें सरचार्ज पर 50% और 1,00,000 से अधिक के बकाया पर 25% तक की छूट दी जा रही है, जिसका अच्छा प्रतिसाद भी देखने को मिला। वहीं इस लोक अदालत और इनमें देने वाले छूट के मद्देनजर निगम को अच्छे राजस्व प्राप्ति की उम्मीद है। इस लोक अदालत को लेकर नगर निगम आयुक्त का ये कहना है कि मार्च माह में लगी इस लोक अदालत से निगम को 30 करोड़ के राजस्व की उम्मीद है और वर्तमान में नगर निगम अपने सभी पुराने वर्षों में वसूली राजस्व की राशि में सबसे ज्यादा है। साथ ही उन्होंने सभी बकायेदारों से अपील भी की है कि वह अपना राजस्व लोक अदालत में छूट का लाभ लेकर जमा करे, ताकि नगर निगम आने वाले दिनों में शहर विकास और शहर के कामों को गति दे सके। आज चूंकि लोक अदालत है तो उसमें जो करों में छूट रहती है उसको हम लोगों ने पर्याप्त रूप से प्रचार प्रसार किया है। उम्मीद है कि आज हम लोग 20 से 25 करोड़ रुपए का एक जो लक्ष्य रखा है वो प्राप्त होगा, क्योंकि अपने यहाँ लोग एडवांस टैक्स अच्छे से पे करते हैं। एडवांस टैक्स भी लगातार आ रहा है। जो ARO's हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके जितने भी बड़े बकायेदार हैं उनसे वो फ़ोन पर बात करें, लगातार संपर्क करें और आज उनकी रिकवरी में अच्छी राशि आए। इसलिए लोक अदालत का न सिर्फ नागरिक लाभ उठाएँ बल्कि उसका लाभ नगर पालिका निगम को भी मिले। ठीक।